तो घाटी में उतरने का एक सही तरीका ये है दोस्तों कि आप जब भी घाटी वाला क्षेत्र में पहुंचे तो उससे पहले ही आप अपने गाड़ी का स्पीड जो है वो कंट्रोल कर लें। ठीक है, कंट्रोल का मतलब हो गया कि आप अपने गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा कम कर लें। दोस्तों, ढलान पर गाड़ी लेकर उतरने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, सभी को पता होना चाहिए कि भाई ढलान पर गाड़ी लेकर उतरने का सही तरीका क्या है। तो ठीक है, टेम्पो लगाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सही तरीका क्या है आज इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो घाटी में उतरने का एक सही तरीका ये है दोस्तों कि आप जब भी घाटी वाला क्षेत्र में पहुंचे तो उससे पहले ही आप अपने गाड़ी का स्पीड जो है वो कंट्रोल कर लें। ठीक है, कंट्रोल का मतलब हो गया कि आप अपने गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा कम कर लें। कम करने पे ये होगा दोस्तों कि भाई घाटी का ढलान कितना है, आप जब ब्रेक मारेंगे, जैसे आप घाटी पर पहुंचेंगे ब्रेक मार के देखें कि हाँ भाई आपका गाड़ी का ब्रेक कितना ले रहा है। आपका ब्रेक, गाड़ी का अगर ब्रेक मारने के बाद भी अगर कम ले रही है तो समझे क्या, जो आप घाटी में जो ढलान पर गाड़ी लेकर उतर रहे हैं तो वो ढलान ज्यादा है। ठीक है ना, तो दूर पे ही आप अपने गाड़ी का स्पीड कम कर लेंगे। और भाई जब उतरे, जब लगे कि आप ब्रेक पूरा तरीके से नहीं पकड़ रही है तो आपको निचला गियर में चलना है। ठीक है ना, वैसे वाला घाटी में वैसे वाला ढाल पर आपको निचला गियर में चलना है। पांच नंबर पे, चार नंबर में चले जाइए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके पे आपको जाना है। जैसे एक नॉर्मल, जैसा ये नॉर्मल घाटी है दोस्तों, ज्यादा ढलान नहीं है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर ढलान ज्यादा है, ठीक है, ब्रेक ये देखिए ब्रेक मार रहे हैं, अब ब्रेक पूरा तरीके पे नहीं ले रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो ये देखिए अभी मेरा गाड़ी पांच नंबर में चल रही है। तो भाई ये घाटी जो है नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, मगर आपको जब घाटी ज्यादा लगेगा, ढलान ज्यादा लगेगा, ब्रेक मारने का बार भी ब्रेक नहीं लगेगी, तो समझ जाइए कि ढलान ज्यादा है। उसके बाद आप क्या करें, पांच नंबर से ये देखिए आपको चार नंबर में शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, फिर आप चलिए, ठीक है, चार नंबर में चलिए। चार नंबर में चलने के बाद फिर भी आपका गाड़ी चार नंबर में पूरा तरीका पे अगर ब्रेक अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको, ठीक है, निचला गियर तीसरा नंबर में आपको चल जाना है। ये देखिए मैं आपको दिखलाया जिस तरीका से, ठीक है। और अगर तीन नंबर में भी अगर आपका सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, गाड़ी पूरा फटल्ले उतर रही है घाटी में और आपका ब्रेक मारने के बाद भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तीन नंबर में भी, ठीक है, तीन नंबर में भी सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपको दो नंबर में चले जाना है। ठीक है, तो जैसा ढलान होता है दोस्तों, जैसा घाटी होता है, उस तरीका पे गियर मैनेज होता है। ठीक है ना, तो आपको ब्रेक मार के देखना है घाटी में कौन सा ढलान पर आपका कितना ब्रेक सपोर्ट कर रही है। तो खैर, ये जैसा आपको बताया दोस्तों कि ये नॉर्मल ढलान है, इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि ज्यादा ढलान मिले तो किस तरीके से आपको चलना है, वो मैं आप लोगों को समझाया हूँ। देखो दोस्तों, होता है ये कि भाई जो नए जो ड्राइविंग सीखे होते हैं वो सीधा सीधी तो गाड़ी चला लेते हैं, ठीक है, सीधा सीधी गाड़ी चला लेते हैं, मगर जब बात आती है घाटी वगैरह वाला जगह थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो घाटी में चले नहीं होते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होती है घाटी वगैरह चलने वाला जगह में, क्योंकि भाई वो घाटी में चले नहीं होते हैं तो थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस भी कम होती है, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। पहली पहली बार आते हैं घाटी वाला एरिया में, ढलान वाला एरिया में गाड़ी लेकर उतरते हैं, तो कितने नंबर गियर में लेके गाड़ी उतरना चाहिए ये उन लोगों को पूरा प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है दोस्तों। तो सही तरीका जो होती है घाटी में ढलान पर गाड़ी लेकर उतरने का, यही एक तरीका होता है तो सही तरीका जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके जो वीडियो है हमारा आप लोगों तक मिलते रहेगी।